नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट एंड टेल। एवरीथिंग हैज़ एन एक्सपायरी डेट, एवरीथिंग कम्स विद एन एक्सपायरी डेट, लाइफ ऑल्सो हैज़ एन एक्सपायरी डेट। एंड व्हेन आई से दैट डेथ इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, लाइफ विल बी इनकम्प्लीट विदाउट डेथ। विदाउट नाइट द डे विल बी इनकम्प्लीट। व्हेन वी स्लीप इन द नाइट, It's a small death which we go through. And if the sleep is deep, if we have really died in that sleep, we'll wake up really fresh. Fresh with vitality, fresh with life energies. So today we are talking about a very special card today, and it's called the card of death. Now I know, like most of you, many of you are scared of this card, but I'm going to go and talk about it in as detail as much as possible. बहुत से लोग जो हैं इस कार्ड से डरते हैं, इस कार्ड से घबराते हैं। सबसे पहले एक ही थॉट आता है, ओ माई गॉड, आवर लाइफ इज़ गोइंग टू फिनिश। बट जस्ट वेट, टैरो हैज़ अ लॉट ऑफ मीनिंग बिहाइंड दिस कार्ड विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू गो इन टू दी keywords of this card, and the keywords of this card are new beginning, rejuvenation, life, transformation, reincarnation, birth, acceptance, purification, sunrise. So the card of death has the number 13. जो डेथ कार्ड का जो नंबर है आप देखेंगे ऊपर 13 है। और बहुत सारे लोगों का कहना है क्योंकि अपशगुन नंबर है इसलिए वो जो है इसको डेथ का कार्ड चुना गया है, जो कि ऐसा नहीं है। सिंपल रीज़न ये है टैरो के डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम 1 to 12 द होल साइकिल इज़ फिनिश्ड, द होल क्लॉक नंबर्स आर फिनिश्ड, एंड देन द नेक्स्ट नंबर इज 13. That is which is signifying that it has completed the whole circle. And when the circle is completed, it is signifying towards death. It is also signifying towards the renewal. इसलिए इस 13 नंबर को यूज़ किया गया। और 13 नंबर जो है बहुत सारे लोग, बहुत सारे सोसाइटीज़ जो हैं, बहुत सारे कल्चर्स जो हैं इसको जो है नेगेटिव मानते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं जब फ्लोर बनाते हैं तो उसके अंदर 13 नंबर को हटा ही देते हैं। इतना डेथ का जो है फियर है, इतना फियर है इस नंबर के लिए। उनको ये लगता है कि इस नंबर के कारण जो है कुछ अपशगुन हो जाएगा। लेकिन मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि कईयों के लिए 13 नंबर जो है वो बहुत ही लकी है, वो बहुत ही पॉजिटिव है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ गुरु नानक जी की लाइफ की, उनकी लाइफ की एक स्टोरी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, जो कि मैं आपसे बात करूँगा। उनकी लाइफ में एक घटना है कि उनके फादर ने उनको जो है एक छोटे से जॉब पे लगवाया था, और जॉब छोटा सा था कि राशन तोल के देना था। और बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये नौकरी लगवाई थी क्योंकि उनका किसी नौकरी में दिल नहीं लगता था, उनका एक ही चीज़ में दिल लगता था, वो भी परमात्मा में और किसी चीज़ में नहीं। तो हालांकि कुछ ना कुछ तो करना था, तो गुरु नानक जी ने जो है ये काम शुरू करा। तो जब कुछ दिन तो ठीक चला, और एक दिन ऐसा आया कि वो तोल रहे थे और किसी को 13 तोल के देना था, 13 बार राशन तोल के देना था। तो उन्होंने तोलना शुरू करा, 1, 2, 3, और जब वो 13 पे पहुँचे वो अटक ही गए, वो 13 से आगे बढ़े ही नहीं। वो यही बोलते रहे, सब 13, सब 13, ये भी 13, वो भी 13, सब 13। तो अगर गुरु नानक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 13 तो बहुत ही सुंदर नंबर है। 13 यानी कि सब 13, सब 13 तो मैं भी 13। डेथ कार्ड हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मीनिंग एंड इट गोज मच डीपर देन द फिजिकल मीनिंग एज कम्पेयर टू व्हाट मोस्ट ऑफ द टैरो रीडर्स डज। डेथ कार्ड मेरे देखे जो है बहुत गहरा मीनिंग रखता है, और जिस तरह से बाकी के टैरो रीडर्स जो हैं जिसको रीड करते हैं वो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है, क्योंकि इट गिव्स यू अ बिग
अ वेरी रेयर मीनिंग ऑफ लाइफ इट्सेल्फ. मेरे देखे ये डेथ का कार्ड जो है इट्स ऑल्सो द कार्ड ऑफ लाइफ. डेथ इज गोइंग टू डिसाइड हाउ यू हैव लिव्ड योर लाइफ, हाउ ब्यूटिफुली यू हैव लिव्ड योर लाइफ. इफ यू हैव लिव्ड अ गुड लाइफ यू विल हैव अ गुड डेथ. If you have lived a miserable life, you will have a miserable death. So death is like a test. वो आपके लिए टेस्ट होगा कि आपने किस तरह की ज़िंदगी आपने जी है. जितनी सुंदर ज़िंदगी होगी उतनी ही सुंदर आपकी डेथ होगी. अब डेथ के सिम्बॉलिज़म और पिक्चोरियल मीनिंग में उतरते हैं. डेथ के कार्ड में हम देखते हैं एक स्केलेटन दो घोड़ों के ऊपर है और उसने ब्लैक कलर का फ्लैग लिया हुआ है और वो लाल रंग की गद्दी के ऊपर बैठा हुआ है. उसने काले कपड़े पहने हुए हैं और जो फिगर है वो एक स्केलेटन की है. नीचे हम देखते हैं एक व्यक्ति मरा हुआ है और थोड़ा आगे देखते हैं तो हम एक छोटा सा बच्चा है जो कि घोड़े के सामने खड़ा हुआ है और एक विमेन जिसका जो है चेहरा जो है दूसरी तरफ है. और हम देखते हैं एक प्रीस्ट को जो कि ऐसा लगता है कि डेथ को वेलकम कर रहा. पीछे हम देखते हैं एक देयर इज अ सनराइज व्हिच इज हैपनिंग. अब इसके मीनिंग में उतरते हैं. तो सबसे पहले तो ये स्केलेटन क्यों लिया गया? Because this is a perfect symbol when it comes to signifying death. Skeleton से बढ़िया symbol और कोई नहीं हो सकता आपको remind कराने के लिए कि that death exists. That death is internal part of us. We should always remember each and every moment of our life, 24 hours a day, that death is part of our life. That it can be taken any time, you know. And that life is a blessing. That this life is nothing but a gift. If it is there with you, you are gifted, you are blessed. Look at the situation in which, look at the time in which we are. This is such a big example. The coronavirus, which is there. It is so unexpected, taken lives of so many people, just signifying, you know, that death is like just like it's always there around, it's just next to us, it can happen anytime. So life and death, they are actually together, they go together. So skeleton is a perfect symbol to remember that death is always there. Okay. So he sits, he is wearing a shield and the shield is black. Now this also has a, what it means is that he cannot be harmed. No one can actually touch death. It is like protected himself, you know. And ab aap iske helmet pe dekhte hain ki there is a red kind of a furry, you know, which is coming up. Which signifies that on top of death there is a life which floats. So you see, he is, although he is death, but at the same time he works for life. Okay, so he sits on red, so he sits on life. The red signifies here life, which signifies like the life and death, they go together. And the horses, there are two horses, if you mind, if you actually look, you know, closely, there are two horses which are there and they are white, which stands for balance and purity. Aage badhte hain, hum dekhte hain ki death jahan se bhi pass ho rahi hai, the death is happening, the people are dying there. And wo ek aur cheez ka renewal hai, wo ek aur cheez ka symbolism hai. Agar aap card mein dekhenge ki jahan pe jo hai ye someone has died, a man has died, and it has
और हम आगे देखते हैं कि एक छोटा बच्चा जो है वहाँ पे शो किया जा रहा है. सो इट जस्ट अ सिंबल ऑफ रिन्यूअल. इट जस्ट अ सिंबल दैट द मोमेंट द डेथ हैज हैपेंड द बर्थ ऑल्सो हैज हैपेंड इन द फॉर्म ऑफ द चाइल्ड. एंड इफ यू लुक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द चाइल्ड, वॉट इज डेथ? The child is like so unaware of it. Child is just is full of awe when it is looking at death. It is just welcoming it. It says it's like it's for a child. It's something. It's interesting. It's want to know. So it basically it is what it is trying to tell you is to know death. You have to be inside like a child, so that you can welcome death. Also, we see a woman whose head is like this, you know, which is हम यहाँ पे देखते हैं एक औरत जो कि एक unconscious state में जो है show की गई है. अब इसके symbolism में जाएंगे, इसको समझेंगे कि you have a choice when death comes to you. Either you can accept it as a child, the way this child looks in the picture, and accept it, or you can just become unaware. Or you can become unconscious. And most of the people, probably 99% of the people, when the death comes, we become unconscious. It's such a big shock for us that we become just unconscious, and we just, when the death comes, we are not aware. जो death के आने का वो जो shock है वो इतना बड़ा होता है कि वो हमें unconscious बना देता है. Death का जो दर्द होना चाहिए हमें हमारे बॉडी में, जो पेन होना चाहिए, वो तो बात की बात है. जो शॉक है जो डेथ का, वो ही इतना बड़ा है कि आदमी जो है उससे पहले ही अनकॉन्शियस हो जाता है. ये मन का एक मैकेनिज्म है, ये माइंड का एक मैकेनिज्म है कि आपको जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए वो एनेस्थीसिया दे देता है, आपको बेहोश कर देता है, सो दैट यू डोंट फील एनीथिंग. एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज this unconscious person is going to die and she will have a new birth. But very few people, probably just 1% or probably 0.1% I should say, who face death with totality, with total awareness, pure jagran ke saath. And that will decide, the death will decide the kind of life which you have lived. Agar jab aapki life mein jab death hai aur aap dare nahi, उसको आपने एक्सेप्ट करा, इसका सिंपल मतलब ये है आपने एक अच्छी ज़िंदगी भी जी है. डेथ एक बहुत अच्छा सा टेस्ट है, बहुत बड़ा टेस्ट है. जब आएगा आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह का जीवन जिया, वो कसौटी है. एंड सबसे बड़ी बात जो कि समझने की है, यू कांट चीट डेथ. डेथ इज़ नॉट करप्टेड, डेथ कैन नॉट बी चीटेड. इसका सिंपली ये मतलब है कि जब डेथ आएगी तो सबको आती है, ए टू जेड कोई नहीं बचता. नो मैटर हाउ मच पावर यू हैव, गरीब हो अमीर हो, डेथ जो है बुद्ध को भी आती है. बुद्ध का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ, भगवान बुद्ध का, क्योंकि वो अपने आप में एक लाइफ के सिंबल हैं. इफ़ यू सी अ लिविंग गुरु, इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल to see the living guru, that this living guru is going to die, that the death can touch him. But yes, it's very clear, the death touches only the body. A person like Buddha, a person who has grown, a person who is like a flower, a person who is enlightened, death cannot touch them. अब इसके फ्लैग के सिंबोलिज्म में जाते हैं. फ्लैग जो है ब्लैक है और इसके अंदर आप देखेंगे तो देर इज़ अ फ्लावर, और फ्लावर के ऊपर जो है देर इज़ अ लाइक फाइव एलिमेंट्स विच आर शोन. सो बेसिकली इट इज शोइंग दैट व्हेन द टाइम ऑफ डेथ कम्स, द होल द फाइव एलिमेंट्स गो बैक टू देयर ओन प्लेसेस. यू नो, धरती धरती से मिल जाता है, अग्नि अग्नि से मिल जाता है,
हवा हवा से, पानी पानी से, तो पांचों के पांचों एलिमेंट जो हैं वापस चले जाते हैं और वो अंधेरे में जो है गायब हो जाते हैं. इट्स ऑल्सो सिंबोलिज्म ऑफ ब्लैक होल. और हम क्या देखते हैं, देर इज अ फ्लावर इन बिटवीन. सो वॉट द फ्लैग इज टॉकिंग अबाउट इज व्हेन यू गो इनटू द डार्कनेस ऑफ डेथ यू कम आउट एज अ फ्लावर, यू कम आउट एज अ न्यू चाइल्ड, यू कम आउट एज न्यू लाइफ. दैट्स वॉट द फ्लैग ऑफ डेथ टेल्स अस. शुड वी कॉल इट द फ्लैग ऑफ डेथ और शुड वी कॉल इट द फ्लैग ऑफ लाइफ. सो नाउ वी ऑल्सो सी देर इज अ प्रीस्ट विच इज स्टैंडिंग. और प्रीस्ट जो है वो क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे जो है सिम्बोलिज्म के तौर पे यूज किया जा रहा है. एंड इट इज सिग्निफाइंग रिलीजन. सो वॉट इट इज ट्राइंग टू टेल अस इज दैट रिलीजन, अ ट्रू रिलीजन एक्सेप्ट्स डेथ. ट्रू रिलीजन टीचेज यू हाउ टू लिव योर लाइफ. इट टीचेज यू द आर्ट ऑफ लाइफ. एंड ट्रू रिलीजन ऑल्सो टीचेज यू द आर्ट ऑफ डाइंग. इनफैक्ट अगर आपको पता हो, भगवान ओशो, भगवान श्री ओशो जो है, उनकी एक बुक आई थी, उसका नाम था मैं मृत्यु सिखाता हूँ. वॉट इज ही टॉकिंग अबाउट? इज ही रियली टीचिंग यू डेथ? आई डोंट थिंक सो. ही इज टीचिंग यू टू लिव. इफ यू नो हाउ टू लिव यू विल हैव अ गुड लाइफ टू एंड यू विल हैव अ गुड डेथ टू. सो इफ यू नो हाउ टू डाई then the life happens fluently. Once you accept life the way it is, and life and death are together, if you accept it, then the blossoming happens so soon. The way we live in the life, you know, it's like we are never going to die. Hum is tarah se jeete hain ki jaise hame kabhi marna hi nahi hai. Hum cheezon ko itna granted leke chalte hain. हम जब रात को सोते हैं तो हम इतना श्योरली के साथ सोते हैं कि हम सुबह जागेंगे ही जागेंगे. आर यू श्योर अबाउट दैट दैट लाइफ विल बी गिवन टू यू? लाइफ इज अ गिफ्ट, लाइफ इज अ ब्लेसिंग. यू शुड ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दैट. इनफैक्ट आई वुड लाइक टू ऑल्सो टेल यू दैट देर इज अ न्यू बुक विच हैज कम अप एंड दिस बुक इज वेरी ब्यूटिफुल. इसकी एडवर्टीजमेंट इस तरह से हो रही है कि फॉर दिस बुक इज फॉर एवरी वन हु शैल डाई. द नेम ऑफ द बुक इज डेथ एंड इनसाइड स्टोरी एंड दिस बुक इज रिटन बाय सदगुरु. ही इज एन एनलाइटन्ड मास्टर एंड वेरी ब्यूटिफुली ही हैज रिटन अबाउट द डेथ. दिस बुक इज एज इट सेज यू नो लाइक दिस बुक इज फॉर एवरी वन हु शैल डाई. सो आई सजेस्ट each and every one of you to read this book. This teaches us about life, this teaches us about death, this teaches us about us, and every one of you has a right to know it. आगे बढ़ते हैं. आगे हम देखते हैं दूर कहीं जो है सूरज जो है उग रहा है, which is a symbol of renewal of life. तो कार्ड ऑफ डेथ हम देख रहे हैं लेकिन साथ में हम क्या देख रहे हैं कि लाइफ भी जो है साथ साथ रिन्यू हो रही है. तो डेथ कर क्या रही है? डेथ आपको जो है कहीं ना कहीं नया जीवन दे रही है. इमेजिन करें अगर आप मर ही ना सके तो इससे बड़ा श्राप क्या होगा आपके लिए? इससे बड़ी दुर्घटना क्या होगी अगर आप मर ना सको? तो आप सड़ ही जाओगे. आपको एक नई लाइफ नहीं मिल पाएगी, आपको एक नया रिजुविनेशन नहीं मिल पाएगा. एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे, जब आप रात को सोते हैं तो जब सुबह उठते हैं तो कितना एक तरह से आपको जो है एक लाइफ का जो है एक वाइटलिटी मिलती है जिसके वजह से आप जो है अपनी लाइफ शुरू कर पाते हैं. और जितनी अच्छी आपने नींद ली है, जितना गहरी आप जो है एक इस छोटी सी डेथ में गए हैं. नींद क्या है? एक छोटी सी डेथ ही तो है. इट्स अ पार्शल डेथ. जितना आप इस छोटी सी डेथ में आप उतने गहरे चले जाते हैं, उतने ही आपको जो है जीवन से आप बाहर आते हैं.
उतना ही ज़्यादा आपको फ्रेश महसूस होता है. दैट्स वॉट द सीक्रेट ऑफ डेथ इज. और मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज ऑल्सो लाइक वॉलंटरली कॉन्शियसली यू आर डाइंग. एंड आफ्टर वेन यू हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस यू फील यू हैव कम आउट एज न्यू लाइफ. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी सी, आप सन के बिल्कुल साथ में देखते हैं, देर इज अ पेडेस्टल विच इज देयर. आप सन के साथ में देखते हैं दैट देर इज अ मॉन्यूमेंट विच इज रोज. ये मॉन्यूमेंट जो है, ये सिंबॉलिज्म है 10 कमांडमेंट्स का ऑफ बाइबल विच इज बेस्ड ऑन लाइफ एंड डेथ. दैट्स व्हाट वी सी हियर. द रियल कमांडमेंट्स ऑफ बाइबल विल टॉक अबाउट बोथ लाइफ एंड डेथ. इट टॉक्स अबाउट दैट लाइफ एंड डेथ आर टुगेदर, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, दे गो हैंड इन हैंड. एंड फाइनली मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, ये कार्ड रेयरली ही बात करता है कि फिजिकल डेथ की. मोस्टली इट टॉक्स अबाउट द रियल लेसन ऑफ लाइफ. इट टॉक्स अबाउट अ न्यू लाइफ विच इज वेटिंग फॉर यू. इट टॉक्स अबाउट दैट इट्स टाइम नाउ टू गिव अप द ओल्ड एंड गिव योर सेल्फ अ फ्रेश स्टार्ट. सो दिस कार्ड ऑफ डेथ इज अ वेरी 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 ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ टैरो. और जाते जाते मैं आपसे जो है एक बहुत ब्यूटीफुल कुछ लाइन शेयर करना चाहूँगा जो कि लिखी गई हैं पीडी ओस्पेंस्की की किताब की हैं. वो पीडी ओस्पेंस्की जो हैं शिष्य रहे हैं बहुत फेमस रशियन गुरु जिया गुरजीएफ के. एंड गुरजीएफ वॉज एन एनलाइटन मास्टर एंड द मोस्ट क्लोजेस्ट पर्सन हु वॉज एसोसिएटेड विद हिम वॉज पीडी ओस्पेंस्की. ही वॉज द क्लोजेस्ट डिसाइपल. And he has written this very beautiful lines about death, about this tarot card. Let me read this for you. The sun sinks at one point and rises at another. Each moment of its motion is descent at one point and an ascent at another. I understand that it rises while sinking and sinks while rising, and that life in coming to birth dies and in dying comes to birth. Yes, said the voice, the sun does not think of its going down and coming up. What does it know of earth, of the going and coming observed by men? It goes its own way, over its own orbit, round an unknown center, life, death, rising and falling. Do you not know that all these things are thoughts and dreams and fears of the fool? So with these beautiful lines, my interpretation of the card of death ends here. I hope you enjoyed this video and I will see you in my next one. Namaste.